हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट। राधा कृष्ण सीरियल की ट्यून जो कुछ फ्लूट बजाई गई है, स्टार भारत की सीरियल है, कमाल की फ्लूट है यार। मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं जब हम ये पूरा ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक सुन लेते हैं। तो मैंने ये जो अभी बजा के दिखाया वो पूरा का पूरा वॉक बैंड पे ही था। आप सभी लोगों को पता है, जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे सभी वीडियोज देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ये सीक्वेंस कैसे बना रहा हूँ। सो अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं आज का ट्यून। जो ट्यून है वो ज्यादातर व्हाइट नोट्स पे ही हम सीखेंगे और बहुत लोगों ने बहुत ही प्यारी तरीके से सिखाया हुआ है YouTube पे, बट हम मोबाइल पियानो पे सिखाने की कोशिश करेंगे और पहले से शुरू करेंगे और बहुत आसान कर देंगे। बहुत लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई वॉक बैंड थोड़ा सा टफ जा रहा है सीक्वेंसर के मामले में, तो सिर्फ आप ट्यून सिखा दो। तो चलो आज सिर्फ ट्यून सीखते हैं और बाद में मैं बताऊंगा कि मैंने वो बाकी के ट्रैक्स ऐड कैसे किए थे। सो पहले तो हमें कीबोर्ड में आना है, हमारे यहां पर हमें सिलेक्ट करनी है फ्लूट की ट्यून। आप फ्लूट सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तीन ट्रैक बजाए थे अभी जो आपने सुना उसमें, मैंने तीन ट्रैक बजाए थे। एक था ये हार्प वाला ट्रैक, हार्प यानी ये वाला एक फर्स्ट ट्रैक था। उसके बाद दूसरा ट्रैक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया था, वो था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, वो था नीचे थोड़ा सा। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सेकंड था और जो मेन ट्यून है वो फ्लूट पे बजाई गई है, तो फ्लूट ही मेन है हमारी। सो हम बजाएंगे A5, ये हमारा मेन रूट नोट है। सो A5 से शुरू होता है हमारा ट्यून, बट हमें क्या क्या लगता है। सो A B C E D E D, यहां तक D E F, और नीचे हमें सी शार्प और बी, ये भी नोट लग। सो डायरेक्टली शुरू करते हैं। यहां पर देखो A5 से शुरू होता है पहली जो ट्यून है वो, यानी कितने बार हुआ, ABC 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 ABC
जी ए बी जी ए बी जी ए बी। अभी यहाँ से जंप पे देखो, ए एफ डी ई सी डी बी ए जी एफ ई ई। यहाँ से हमारी मेन ट्यून शुरू होती। तो क्या हुआ, ये ए से डायरेक्टली एफ पे जंप, ए एफ डी ई सी डी बी ए जी एफ ई ई डी ई डी ई डी सी शार्प। ये आगे की है, वो मैं आगे का सिखाता हूँ, पहले इतना समझ गए आप। ए बी सी ए बी सी, ये हमें 8 बार क्लिक करना है। ए एफ डी ई सी डी बी ए जी एफ ई ई डी ई। अभी ये मेन ट्यून कैसे देखो, ई डी ई डी ई डी सी शार्प बी सी शार्प एफ ई एफ ई एफ। थोड़ा थोड़ा समझ रहे आपको, यहाँ पर नोटेशन आते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहना। सो यहाँ पर मोबाइल पियानो में बजाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ये भी नोट बज जाता है, ऊपर का भी बज जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से बजाओ। सो ये समझ आ गया आपको, ये थोड़ा सिंपल है। अभी यहां से जंप है, ई ए ए ए ई बी 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 ई ई ई ई, ऊपर के ई तक जाना है, यानी ई ए ए ए ई बी 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 ई ई डी सी, यहां तक है ई ई डी सी बी ए जी एफ ई डी सी बी सी शार्प ई डी ई डी। ये फिर से शुरू हो जाता है। सो मेन ट्यून हमारी इतनी सी है, और इतना ही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये टफ जा रहा है वॉक बैंड। सो आगे का भी मैं प्रोसेस सिर्फ बता के रखता हूँ, पूरा तो मैं नहीं सिखाऊंगा। सो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया, ये मेन ट्यून है हमारी। ये याद रखना है हमें सिर्फ, और इसके बाद अभी जो सीक्वेंसर में मैंने क्या क्या ऐड किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले वॉक बैंड आता है, तो ये हमें, ये अभी मैंने कीबोर्ड पे सिखाया, बट यहाँ पर मल्टी ट्रैक सिंथ पे हमें क्लिक करना है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, देखो इस प्रोजेक्ट में मैंने सब बजा के रखा है। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि यहाँ पर मैंने बजाया था हार्प, यहाँ पर हार्प है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स है, यहाँ पर फ्लूट है, फिर ये ड्रम सेट है, और ये नीचे सिर्फ पर्कशन है। ये समझ में आ गया आपको, तो पूरा का पूरा मोबाइल का ही ट्रैक है, वो कुछ भी मैंने बाहर से रिकॉर्ड किया या बाहर डाल दिया ये नहीं है। बट अगर आपने जो विंड चाइम सुना होगा, आप फिर से स्टार्टिंग से सुन लेना ट्रैक, जहां पर स्टार्टिंग में
वो विंड चाइम्स का आवाज आता है, वो सिर्फ मैंने मेरे स्टॉक से उठा के डाल दिया था। तो ये हुआ ये ट्रैक, ये कैसे बनाना है, तो हमें न्यू सॉन्ग पे क्लिक करना है, सिग्नेचर टाइम सिग्नेचर में 4/4 का करेक्ट है, मेजर्स में हमें 50 सिलेक्ट करना है, बीपीएम हमें 100 का बीपीएम परफेक्ट है। सो ओके कर दिया मैंने, प्लस पे क्लिक किया, पहले मैंने ड्रम सेट ऑन किया, ये मैंने ये साउंड करना है आपको, ये थोड़ा सा तो जो भजन में यूज होता है इंस्ट्रूमेंट परकशन वो है, वो सिलेक्ट करने के लिए आपको जो ड्रम सेट सिलेक्ट करना है वो है ई बी ड्रम्स में आपको ये मिल जाता है, ई बी ड्रम्स, वो आपने क्लिक किया तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा परकशन जो भजन में यूज होता है वो आपको मिल जाता है। तो ये आपको पहले रिकॉर्ड करना है, जैसे 2 3 स्टार्ट, जितना बड़ा चाहिए उतना आप कर सकते हो, मैं 1 मिनट के लिए करता हूं। तो यहां पर मैंने 28 सेकंड के लिए अभी के लिए बजाया, फिर हम बजाएंगे हमारी मेन ट्यून जो है कीबोर्ड के ऊपर, सिर्फ मैं आपको मेन ट्यून दिखाता हूं जो पहले स्टार्टिंग वाला था इंट्रो, वो नहीं बजाऊंगा। 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने, मैंने आपको दिखा दिया, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बजा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दो पट्टियाँ आ गई, ये फ्लूट हो गई, इसके बाद हम बजाएंगे ड्रम सेट में ऑर्केस्ट्रल जो ड्रम्स है वो, ये ड्रम्स हमें इसमें ही मिल जाते हैं, ई बी ड्रम्स में ही मिल जाते हैं। अगर आपको दूसरा कोई ड्रम ट्राई करना है, ये थोड़ा सा हिप हॉप सुनाई देगा या फिर थोड़ा सा ईडीएम ट्रैक सुनाई देगा, उससे अच्छा ये मुझे अच्छा लगे ई बी ड्रम्स जो ऑर्केस्ट्रा टाइप है। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, 1 2 3 स्टार्ट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, और इसको बाद में आपको सेव करना है, तो आपके पास ये एक प्रोजेक्ट सेव हो जाता है यहां पर, ये देखो ये हमने अभी बजाया हुआ 3 ट्रैक वो प्रोजेक्ट यहां पर सेव हो गया। सो इतना ही था गाइज, इतना ही मैं सिखाना चाहता था, और बहुत लोगों को जो मुश्किल जा रही है इसकी वजह से मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर का थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप भी पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, टाइम अपना जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम है, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में मुझे बता रहा है। सो प्लीज पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना, और सपोर्ट करने के लिए मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देके रखा है, गूगल पे की मैंने एक लिंक देके रखी है। कई लोग मुझे, जो मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि भाई आप इतना प्यार से सिखा रहे हो, इतना हमें समझ में आ रहा है, तो आपको फीस देना चाहते हैं हम काइंड ऑफ, या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी गूगल पे की लिंक दे दो। तो वो मैंने सोच लिया था अभी, और मैंने भी सोचा कि यस भाई कॉपीराइट की वजह से वैसे तो कुछ पैसे आ नहीं रहे, थोड़ा सा दुख बता रहा हूं, बट अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो वो देख लेना। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, एज ऑलवेज गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एट सेम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।